अंदर वहाँ पे मेट्रो का इंडिया में 15वां साल है। तो हमने अपना बिजनेस 2003 में शुरू किया और ये हमारा 26वां स्टोर है। इससे पहले हमारे 25 स्टोर हैं। बेंगलोर में हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ पे 6 स्टोर हैं। हैदराबाद में 4 हैं, मुंबई में 2 हैं, एक भांडूप और एक बोरीवली में। तो महाराष्ट्र के अंदर ये 3रा स्टोर हुआ, 1 कलकत्ता 2 दिल्ली और 3 पंजाब में। इसके अलावा इंदौर, सूरत, अहमदाबाद के अंदर हमारे स्टोर है, विजयवाड़ा। तो नासिक इसलिए चुना गया क्योंकि नासिक इज़ अ बिग टाउन इन महाराष्ट्र। द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ इम्प्रूव ड्रामेटिकली। एक्चुअली मुझे इस टाउन में आते हुए लगभग 7-8 साल हुए हैं। हम बड़े दिनों से कोशिश कर रहे थे यहाँ पे स्टोर लगाने की, और जैसे आपने देखा इस स्टोर के लिए हमें लगभग 2.5 से 3 एकड़ ज़मीन चाहिए होती है कमर्शल, जो कि बिल्डिंग अपने हिसाब से बनाते हैं। वी आर अ होल सेलर, सो इट इज़ नॉट फॉर द एंड कस्टमर्स, इट्स नॉट रिटेल, इट्स होल सेल। एंड होल सेल का मतलब है कि जो बिजनेस ओनर्स हैं वही यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हैं। तो जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डालते हैं। पहले तो हो गए हर टाइप के दुकानदार, जब किराना ट्रेडर्स बुलाते हैं। सेकेंड इज़ होरेका, होटल, रेस्टोरेंट एंड थिएटर्स। एंड थर्ड इज़ वॉट वी कॉल SCOs, सर्विसेज कंपनीज एंड ऑफिसेज। सर्विसेज मीन एनीबडी प्रोवाइडिंग अ सर्विस, कुड बी अ ब्यूटी सैलॉन, कुड बी अ हेयर सैलॉन, कुड बी अ डॉक्टर रनिंग अ नर्सिंग होम और अ क्लिनिक और अ हॉस्पिटल, कुड बी अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कुड बी अ स्कूल, कुड बी अ कॉलेज। सो कंपनीज, एनी काइंड ऑफ कंपनीज, बिकॉज दे कम एंड बाय ऑफिस स्टेशनरी, वी हैव ऑफिस स्टेशनरी, फर्नीचर, पैंट्री प्रोडक्ट्स, हाउस कीपिंग प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। सो राइट नाउ आवर फोकस इज ऑन किरानाज एंड होरेका इन अ वेरी बिग वे। अगर आप किराना दुकानदार, इंडिया में लगभग 1.2 करोड़ किराना दुकानदार हैं छोटे छोटे, और उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उनको डर लग रहा है कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं मल्टीनेशनल और ई कॉमर्स में इन्वेस्ट कर रही हैं और प्राइसेस वो काट रहे हैं, वो लगभग अगर MRP 100 रुपये है वो 90 रुपये में ख़रीदते हैं, 80 रुपये में बेच देते हैं, तो एक छोटे दुकानदार के लिए उनसे कम्पीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ मेट्रो उनका पार्टनर है। वी आर हेयर टू सर्व द स्मॉल बिजनेस, सो वी से आर पर्पज़ इज़ टू मेक द स्मॉल बिजनेसेस सक्सेसफुल, सो देयर सक्सेस इज़ आर बिजनेस इन वेरी सिंपल टर्म्स। एंड हम अपने एम्प्लॉइज़ को कहते हैं कि यू डोंट वर्क फॉर मेट्रो, यू वर्क फॉर द सक्सेस ऑफ आर कस्टमर्स। तो हम उनका कैसे, उनको क्या फ़ायदा होता है, एक तो उनको सारा सामान एक ही छत के नीचे मिल जाता है। दूसरा, आपको मैं बाद में जब स्टोर वॉक करेंगे आप देखेंगे कि रेट्स में बहुत फ़र्क है। दुकानदार को यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर से और होलसेलर से कम दामों में हर सामान मिलेगा, कम से कम 4-5% का फ़र्क है हर आइटम के अंदर। एक छोटे दुकानदार का मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग 10-12% का मार्जिन होता है। अगर आप उनको 4-5% सस्ता दें तो 40-50% मुनाफा उनका बढ़ जाता है। इसके अलावा आजकल हर आदमी, हर चीज़ डिजिटल हो गई है। जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ है या GST हुआ है, एवरीथिंग हैज़ बिकम डिजिटल। पीपल हैव स्मार्टफोन्स, इंटरनेट पेनिट्रेशन हैज़ इंक्रीज्ड। सो वी गिव अप सोल्यूशन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन जिसको हम बोलते हैं, जिसके थ्रू वो अपना डेली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना सकते हैं, उनको इन्वेंट्री अपनी ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि छोटे दुकानदार का आजकल हर चीज़ उनके दिमाग में होता है कि कौन सा माल कहाँ पड़ा है, कितनी इन्वेंट्री है, क्या दाम पे ख़रीदा था, क्या दाम पे बेचना चाहिए, कितना मुनाफा है। तो हर चीज़ वो मेंटली वो मैच करते हैं। हम उनको एक, जैसे एक मॉडर्न रिटेल है, डी मार्ट है, बिग बाज़ार है, हम चाहते हैं कि उनका छोटा सा शॉप, चाहे वो 100 स्क्वायर फुट का हो या 500 स्क्वायर फुट का हो, वो भी उसी तरह चला सके जैसे बड़े चेन चलाते हैं। तो हमने काफ़ी टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप की है, एक कंपनी है ईजी पे, उसके साथ हमने पार्टनरशिप की है। तो छोटे दुकानदार अपना डेली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कि आज मैंने ये माल बेचा, कौन कौन से आइटम ज़्यादा बिके, कौन से आइटम नहीं बिके। अपने कस्टमर्स को वो SMS, ईमेल सब भेज सकते हैं, जैसे कि बड़े बड़े दुकानदार करते हैं, बड़ी बड़ी चेन्स करती हैं, क्योंकि उस मशीन के अंदर दे कैन कैप्चर उनका ईमेल इन्फॉर्मेशन, देयर फोन मोबाइल नंबर, दे कैन इवन सेल बिलो MRP भी। हम उनसे भी बोलते हैं आप MRP से कम में बेचिए, क्योंकि आजकल हर चीज़ MRP से कम में बिकती है मॉडर्न दुकानों में, आपको भी बेचना पड़ेगा और आपका मुनाफा हम कम नहीं होने देंगे, क्योंकि हम आपको बाज़ार से सस्ते दामों में माल खरीद के देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे जितने भी किराने दुकानदार हैं उनका क्लोज फॉर्मेट स्टोर होता है, एक काउंटर होता है, कस्टमर उस साइड पे होता है, दुकानदार यहाँ होता है। सो कस्टमर जो दुकान के अंदर एंटर नहीं कर सकता है, हम उनसे कह रहे हैं आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके स्टोर को ओपन फॉर्मेट स्टोर बना सकते हैं, जैसे कि सुपर मार्केट या बिग बाज़ार वगैरह जो भी होते हैं, ताकि कस्टमर्स अंदर आके शॉपिंग कर सकें
और अगर कस्टमर अंदर आके शॉपिंग करेगा वो ज़्यादा सामान खरीदेगा, इम्पल्स परचेज होती है, वरना वो जो लिस्ट होती है बस वही आप उनको दे सकते हैं। और हमको ये भी बताते हैं कैसे डिस्प्ले करिए, हमने उनके सप्लायर के साथ टाई अप किया हुआ है ताकि उनको डिस्प्ले का पैसा ज़्यादा मिले और आमदनी उनकी बढ़े। होटल इंडस्ट्री में फ़ायदा है कि आप देखेंगे यहाँ पे हर प्रकार के वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हैं, फ़िश, मटन, सी फूड, चिकन, सब्जियाँ, ऑर्गेनिक, पेस्टिसाइड फ्री, फ्रोज़न सामान सब मिलेगा उनको, तो क्वालिटी में हम गारंटी करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वो हर चीज़ खुद नहीं जाके मार्केट से ख़रीद सकते, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो किसी अपने आदमी को भेजते हैं मार्केट में ख़रीदने के लिए। अगर आप मार्केट में आलू ख़रीदने जाते हैं कोई बिल नहीं देता आपको, जो आप मंडियों में माल लेते हैं आपको बिल नहीं मिलता है, तो उनको कई बार 9 रुपये का आलू की ख़रीद होगी, वो 11 रुपये मालिक को बोलेगा कि मैंने 11 रुपये में ख़रीदा, वो बोलेगा मैंने 100 रुपये ख़रीदा, एक्चुअली 90 किलो ही ख़रीदा होगा, 100 नहीं ख़रीदा होगा, तो 10 किलो का ज़्यादा वो चार्ज कर देते हैं अपने मालिक को। और उसके अलावा रेट में कोई अंतर नहीं है, रेट मार्केट से बेटर है, क्वालिटी मार्केट से बेहतर है। और यहाँ होटल वालों को सब सामान मिलेगा, क्रॉकरी, कटलरी, कुकवेयर, बेडशीट्स, टॉयलेट का पूरा सामान, आपका खाने पीने का पूरा सामान, राशन का पूरा सामान, कमोडिटीज, राइस, सब कुछ मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे स्टोर में हमने काफ़ी नासिक के लोकल सप्लायर्स का सामान रखा हुआ है। सपट चाय काफ़ी फेमस है, सपट है, मुरली सोयाबीन ऑयल है, देन राम बंधु स्पाइसेस हैं, चिवड़ा, सपट चाय, मुरली सोयाबीन ऑयल, इंद्रानी राइस करके है, कोंडा जी चिवड़ा है, अन्नपूर्णा हींग है, तो ये जितने भी लोकल सप्लायर्स हैं सबका माल रखा हुआ है। और हम यहाँ पे तो बेचेंगे ही, हम इनका सामान बाकी जो हमारे 25 स्टोर हैं वहाँ पे भी उपलब्ध कराएंगे ताकि उनकी भी सेल बढ़े। क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं इंद्रानी राइस, दिल्ली के अंदर किसी को नहीं पता होगा कि इंद्रानी राइस क्या है, बॉम्बे के अंदर भी शायद ना पता होगा, तो क्योंकि हमारे वहाँ स्टोर हैं, हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं, हम वहाँ पर उनका माल अवेलेबल कराएंगे, तो उनकी सब छोटे सप्लायर्स जो नासिक के हैं उनकी भी सेल बढ़ेगी। फार्मर्स को हम दिखाएंगे, हमने फार्मर से डायरेक्टली सप्लाई करते हैं, हमारा एक मंचन पुणे के पास एक जगह है, वहाँ पे कलेक्शन सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ फार्मर से हम डायरेक्टली सामान लेते हैं, डेली वो लेके आते हैं, डेली हम उनको प्राइसेस देते हैं, उसी टाइम पेमेंट करते हैं और उनको वो सामान अच्छे रेट में मिलता है। सर उनकी फ़ोटो भी लगाई हुई है और उनमें से काफ़ी विमेन फार्मर्स भी हैं। नॉर्मली फार्मर्स का क्या होता है कि जैसे रेट गिर रहे हैं तो उनको पेमेंट टाइम पे नहीं मिलती है, उनको कई बार अपना माल डंप करना पड़ता है, हम उनका कोई एडवांटेज नहीं लेते, जिस दिन वो हमें माल देते हैं उसी टाइम बाद के हाथ पेमेंट देते हैं और हमें मार्केट से बेटर रेट ही देते हैं, पर मिडिल मैन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये सब ऑर्गेनिक होता है? ऑर्गेनिक भी है, पर हमारे यहाँ ऑर्गेनिक दालें, चावल, आटा, ये सब चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है, तो ऑर्गेनिक की भी बड़ी रेंज है हमारे यहाँ। इसके अलावा आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा सामान है, रेट में बहुत फ़र्क है मार्केट से, जितने भी आप ब्रांड मार्केट में देखेंगे LG, Samsung सब अवेलेबल है यहाँ, पैनासोनिक, बहुत फ़र्क है मार्केट से, और इतना फ़र्क है कि दुकानदार का मुनाफा भी ज़्यादा है, उसके अलावा वो अपने कस्टमर्स को MRP से काफ़ी कम दाम में बेच सकता है, इतना अंतर है रेट। हमने अपने ओन ब्रांड, हमारे खुद के भी ब्रांड हैं जो लॉन्च किए हुए हैं क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के अंदर, इवन ऑर्गेनिक आपने पूछा, पेस्टिसाइड फ्री में भी हमारा अपना ब्रांड है जिसका रेट लीडिंग नेशनल ब्रांड से कई बार आधा है, क्योंकि जितने भी बड़ी बड़ी FMCG कंपनियां हैं उनका मुनाफा कुछ 80-90% होता है। सर एक बात है कि अभी आप बोल रहे लाइसेंस है, फैक्ट्री लाइसेंस है, अगर आप दुकानदार हैं किसी रूरल एरिया में, अगर आप विलेज पंचायत में सरपंच से लिखवा देंगे कि हमारा बिजनेस है तो वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर 5 करोड़ छोटे बिजनेसेस हैं, हर बिजनेस से कम 2-3 फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, तो लगभग 10-15 करोड़ घर जो उनका मेन आमदनी का इनकम है, स्रोत है, वो है अपना बिजनेस, तो इसमें हमें काफ़ी पोटेंशियल नज़र आता है। और यू नो अगर आप सोचिए गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, बट जैसे ई कॉमर्स है, बड़ा बड़ा पैसा आ रहा है, तो इससे छोटे दुकानदारों पे क्या असर होगा ये सोचने की बात है, और मेट्रो उन लोगों को हेल्प करना चाहता है, हमारा ग्लोबली हम यही कर रहे हैं, इंडिया में हमारा फोकस जैसे किराना पे बहुत ज़्यादा है, होटल रेस्टोरेंट केटर पे भी है, यूरोप के अंदर हमारा 60-70% बिजनेस हुरेका से आता है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ती है वो बाहर जाते हैं खाना खाने, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं,
eating out becomes more common. Then services, India is a service economy, so a lot of services are, you know, service sector is booming in India. So B2B mein potential bahut hai. Agar aap sochiye aapka office hai, aap press ka office chalate hain, to chai, coffee, biscuits, snacks aap rakhte honge, juices, pani, furniture, stationery, ye kahan se aap kharidte hain? Aap chote chote suppliers bane hote hain, unke mukable hum aapko acha quality denge, acha rate denge, aur aapko har cheez milegi. Range bhi yahan kaafi hai. Yes, aap nahi hai capital float. Capital? Uske float. Unke saath hamara tie up hai. To chote dukandaron ko lagbhag ko udhar ki aadat hai. Koi bhi nakad paisa nahi deta hai. To hum unko 14 din ka loan, working capital loan jisko bolte hain, dilate hain. Aur uska jo interest cost hota hai, jaise kai baar byaj 1% hai mahina ya 2% bhi le lete hain mahine ka. To 14 din ka 1% byaj ho gaya, wo hum metro bear karti hai unke behalf pe. होटल इंडस्ट्री में लोग 30 से 45 दिन का क्रेडिट मांगते हैं या उधार मांगते हैं, उसके लिए भी हमने एक कंपनी से टाई अप किया हुआ है. यू नो द नेम ऑफ द कंपनी होरेका फॉर लोन, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द कंपनी. नियोग्रो. तो 30 से 45 दिन का उनको क्रेडिट मिल जाता है. इसके अलावा हमारे यहाँ डिलीवरी की सुविधा है. हमारे हर स्टोर में कम से कम 30 से 40 लोग हैं जो सेल्स के लोग हैं. वो मार्केट में जाते हैं, दुकानदारों से मिलते हैं, होटल वालों से मिलते हैं, रेस्टोरेंट वालों से मिलते हैं, उनसे ऑर्डर लेते हैं और उनको माल डिलीवर हो जाता है. तो उनको यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि कई बार ट्रैफिक, नासिक में तो ट्रैफिक इतनी समस्या नहीं है, बड़ा बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है. तो लोग हर बार स्टोर नहीं आ सकते, तो कहते हैं आप, हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, आप हमें डिलीवर कर दें. तो वो भी हम कर रहे हैं. अगर कोई आपका मेम्बर का सवाल आपने पूछा, अभी इस स्टोर के खुलने से पहले भी हम प्याज जो है नासिक से ही ले रहे थे. लगभग 6000 मेट्रिक टन हम प्याज नासिक से खरीदते हैं. एक दो जगह है, एक है शायद नसलगांव. तो वहाँ से 6000 मेट्रिक टन का आ रहा है. ग्रेप्स भी हम सोर्स करते हैं नासिक से, और स्ट्रॉबेरीज बाकी स्टोर्स के लिए. जैसे महाराष्ट्र में नागपुर ऑरेंजेस के लिए फेमस है, तो हम नागपुर से ऑरेंजेस लेके पूरे सारे हमारे 25 स्टोर हैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. नासिक से अनियन 6000 मेट्रिक टन का है, तो पहले से ही खरीद रहे थे. टोमेटो जो है सबसे बढ़िया क्रॉप है नासिक में, जो रास्ते पे भी जितना पड़ता है किसान होते हैं, और एक दिन ऐसा भी होता है या कुछ दिन ऐसे भी होते हैं साल में कि सबसे ज़्यादा भाव में बिकती है. 20 पैसे से अगर जाता है तो किसान रास्ते पे देख लेगा, वो भी एक बहुत बड़ा टर्म होता ही है. नहीं, अगर वो है हम श्योरिटी देने के लिए, आपके भी प्रोडक्ट खुद के हैं, कैसे वगैरह आपका भी होता, उसके लिए कुछ मॉडल बना सकते हैं. तो वही हमारा एक डायरेक्ट फार्म प्रोग्राम है. तो हमने 6 कलेक्शन सेंटर लगाए हुए हैं, 2 बेंगलोर के पास, 1 हैदराबाद, 1 बंगाल में बरासात, 1 यहाँ पे पूना के पास मंचर करके जगह है, और 1 पानीपत के अंदर. तो वहाँ फार्मर्स जो हैं वो 5000 फार्मर्स से हम जुड़े हुए हैं, और डायरेक्टली हमें डेली सप्लाई करते हैं. जो भी वो लेके आते हैं हम खरीद लेते हैं, मार्केट से बेटर रेट मिलता है, और हमें फ़ायदा ये होता है कि उनकी क्वालिटी बेटर होती है मार्केट से, तो दोनों के लिए फ़ायदा है. इसके अलावा हमने बायर क्रॉप साइंसेस के साथ टाई अप किया हुआ है, उनको हम लेटेस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, क्रॉप की सिचुएशन, वेदर के हिसाब से बताते हैं कि आपको क्या ग्रो करना चाहिए. सो वी आर एसोसिएटेड राइट नाउ विद 5000 फार्मर्स. इट्स अ स्मॉल नंबर, बट यू नो वी हैव दिस प्रोग्राम इन 6 डिफरेंट सिटीज और 6 डिफरेंट सेंटर्स अराउंड इंडिया. इन फ्यूचर हम भरोसा रख सकते हैं कि नासिक में भी एक कलेक्शन सेंटर खुलेगा. बिल्कुल. अनियन के लिए, स्ट्रॉबेरीज, ग्रेप्स के लिए पूरा फोकस रहेगा हमारा यहाँ सोर्सिंग. सर, आई हैव टू क्वेश्चंस. यस. From common man's perspective, as a layman, I would like to ask you, how a common man can avail of metro facility? See, what we are telling our shopkeepers, our customers who are shopkeepers and hotels, so we are, very, very good question. So we have a property, जैसे फादर्स डे होता है, मदर्स डे होता है, वैलेंटाइंस डे हो गया, हमने एक नया दिन बनाया है वर्ल्ड वाइड, इसको बोलते हैं ओन बिजनेस डे. जिनका खुद का बिजनेस है, अपना बिजनेस है, ओन बिजनेस डे. तो वी आर सेलिब्रेटिंग पीपल हु आर रनिंग देयर ओन बिजनेसेस अराउंड द वर्ल्ड. 9th अक्टूबर है इस साल, इट इज़ द सेकेंड ट्यूजडे ऑफ एवरी अक्टूबर. वी स्टार्टेड दिस अबाउट 2 years ago.
तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, ओन बिजनेस डे के एज पार्ट ऑफ ओन बिजनेस डे हम अपने जितने भी सप्लायर्स हैं उनसे हम स्पेशल प्राइसेस नेगोशिएट करते हैं। जैसे आप करिए रिन पे नॉर्मल मार्जिन 12% का है, हम वैसे ही 14% देते हैं अपने दुकानदारों को। उसके अलावा हम 10% का नेगोशिएट और करते हैं, वो हम अपने दुकानदारों को पास ऑन करते हैं। हम और उनसे कहते हैं कि आप अपनी जेब में मत रखिए इसको, आप अपने कस्टमर्स को पास ऑन कीजिए, इससे आपकी सेल बढ़ेगी। क्योंकि अगर आपको मॉडर्न रिटेल के साथ कम्पीट करना है, डी मार्ट, बिग बाजार, अमेजोन, तो आप MRP में माल नहीं बेच सकते, आपको भी MRP से कम में बेचना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल्स। सो दिस ईयर वी हैव क्रिएटेड अबाउट 80,000 स्पेशल्स फॉर आर कस्टमर्स एंड दे आर सपोज टू पास ऑन दी स्पेशल्स टू देयर कस्टमर्स। होटल इंडस्ट्री में इसको आप एग्जांपल देता हूँ, ऑयल है, चावल है, स्पाइसेस है, अगर उसमें नॉर्मल दुकानदार का या होटल की खरीद का प्राइस लेट्स से 100 रुपये है, हम ओन बिजनेस डे के अंदर उनको 90 रुपये में दे रहे हैं, 80 रुपये में दे रहे हैं। और हम कह रहे हैं आप अपने होटल में स्पेशल प्रमोशन चलाइए कि बिरयानी के ऊपर 20% डिस्काउंट, ताकि आपकी सेल बढ़े। इसके अलावा हमने एक हब बनाया हुआ है, ऑनलाइन हब, जिसपे हम कहते हैं जो भी दुकानदार या होटल अपना स्पेशल दे रहे हैं कस्टमर्स को, उसकी हम पब्लिसिटी भी करते हैं। तो आप अपना एड्रेस दीजिए, कई लोगों के पास तो ईमेल आईडी भी नहीं है, तो हमारी टीम ने उनकी ईमेल आईडी बनाई है और उनका गूगल एड्रेस उस साइट पे पोस्ट किया है, और फिर हम उसकी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं ताकि सारी दुनिया को पता चले कि ये वाला स्वीट शॉप या ये वाला रेस्टोरेंट ये वाली चीज़ स्पेशल प्रमोट कर रहा है। और जो दुकानदार हैं उनके दुकानों पर हम पोस्टर्स भी लगा रहे हैं अपने खर्चे से, ताकि एंड कस्टमर्स को भी बेनिफिट हो और जो दुकानदार हैं या होटल वाले हैं उनको भी बेनिफिट हो। सो दिस इज़ अंडर द बैनर ऑफ ओन बिजनेस डे। इट्स अ यूनिक थिंग टू मेट्रो, नो अदर कंपनी इन द वर्ल्ड इज डूइंग दिस, बिकॉज कई चीज़ें फालतू की हैं, काफ़ी डेज जो बने हुए हैं, वैलेंटाइंस डे, फ्रेंडशिप डे, ये डे वो डे, राइट? तो ओन बिजनेस डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के अंदर आप देखें 5 करोड़, हमारा अनुमान है कम से कम 5 करोड़ छोटे बिजनेसमैन 5 करोड़ मिनिमम, क्योंकि कई बार दुकान रूरल एरियाज़ में छोटे टाउन में गिनती नहीं हो पाती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों के पास वो लाइसेंसेज ही नहीं है, गवर्नमेंट के पास डेटाबेस भी नहीं है कि कितने लोग जो हैं बिज़नेस कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके पास वही होता है जो GST नंबर है जिसका, वो लगभग 40-50% से ज़्यादा नहीं है। तो हमारा अनुमान है 5 करोड़ छोटे बिजनेसेज हैं इंडिया के अंदर। अगर आप सोचिए बंद हो जाएंगे तो कितना नुकसान होगा इकोनॉमी, क्योंकि 2 से 3 फैमिलीज तो सपोर्ट करते ही होंगे, किसी ने अपनी फैक्ट्री लगा रखी है, किसी ने कोई दुकान खोल रखी है, किसी ने रेस्टोरेंट खोल रखा है, कम से कम 2-3 लोग तो एम्प्लॉय करते हैं। तो अगर 5 करोड़ बिजनेसेस हैं, 15 करोड़ फैमिलीज़ हैं, फैमिली का एवरेज साइज़ आप लगा लो 4-5, तो आप देख लीजिए कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है छोटे बिजनेसेस से। तो बातें बहुत हो रही हैं, क्योंकि आजकल मीडिया भी, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, जो बड़े बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं वो सिर्फ डिजिटल स्टार्टअप्स की बात करते हैं। हमारे हिसाब से अगर आप छोटी सुपरमार्केट लगाते हैं, एक छोटा रेस्टोरेंट खोलते हैं, वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है। व्हाई आर दोज पीपल नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड? वी सेलिब्रेट ओनली दोज पीपल हु आर गेटिंग $1 billion फंडिंग फ्रॉम सम फॉरेन कंपनी, अ प्राइवेट इक्विटी कंपनी, बट वी शुड ऑल्सो डू समथिंग फॉर दी स्मॉल बिजनेसेस, बिकॉज वी बिलीव दैट दे आर दी इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर द इंडियन इकॉनमी। अगर स्मॉल बिजनेसेस खत्म, जर्मनी के अंदर द इकॉनमी इज स्ट्रॉन्ग नॉट बिकॉज ऑफ बिग कंपनीज, यस देयर आर बिग कंपनीज, बट बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ दिस व्हाट वी कॉल SME, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सर आपका इंडिया में बिजनेस टर्न, व्हाट इज योर प्लान? मेजर मॉडल इज यू नो होलसेल, बट दोज हू एवरी मंथ गो एंड शॉप इन बिग बाजार एंड डी मार्ट, सो आर देयर एनी, हाउ दे पीपल विल गेट See, unfortunately, we are B2B. If I look at the FDI policy in India, 100% FDI is allowed in B2B wholesale. Food retail is allowed, but you know, we don't want to get into that. Globally, we are a food specialist and a wholesale company. We believe in India, the opportunity for wholesale is huge. The wholesale market is about $500 billion in India. Itni badi market hai, and we want to focus on that. Abhi sirf hamare 26 store hain. पिछले 15 साल के अंदर अभी 26वां स्टोर है। तो इंडिया में एक तो फिज़िकल स्टोर्स और लग सकते हैं, दूसरा ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटी है, और B2B और B2C में ई कॉमर्स में बहुत फ़र्क है, क्योंकि आप, मैंने आपको बोला हम होटल्स को माल सप्लाई करते हैं, अब कोई होटल हमें, होटल और रेस्टोरेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे आप कमोडिटीज़ में रेट्स ऊपर नीचे होते हैं, चिकन का रेट आज है कल कुछ होगा, आटे का रेट आज कुछ है कल होगा, चावल का आज कुछ रेट है, चीनी का कल रेट कुछ और होगा,
पर उनका मेन्यू प्राइसेस चेंज नहीं होता है. मेन्यू प्राइसेस आर फिक्स्ड. आप कभी होटल में गए हर रोज़ तो नहीं उनका मेन्यू प्राइसेस चेंज होता. सो दे वांट टू डू फिक्स्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट्स विद अस. सो वी डू फिक्स्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट्स विद आवर कस्टमर्स. बट अगर कोई कस्टमर हमसे 100 किलो चिकन खरीद रहा है महीने का और एक बोलता है नहीं मैं 1000 किलो खरीदूंगा तो दोनों के लिए रेट अलग होगा. इसी तरह कोई दुकानदार बोलता है कि मैं आपसे एक बैग लूँगा चीनी का 100 किलो का और कोई बोलता है पूरा ट्रक ले लूँगा तो अलग अलग रेट होता है. आप अगर B2C की बात करें तो रेट सबके लिए सेम है. तो हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं B2B के अंदर. प्लस B2B इज़ ऑल्सो रिलेशनशिप बेस्ड. पीपल यू वॉन्ट टू नो पीपल वर्क विद कंपनीज विद होम दे ट्रस्ट. ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी हैव दिस सेल्स टीम विच इज़ अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स. बड़ी बड़ी कंपनियों के पास मैकेंजी और बेन एंड कंपनी जैसे कंसल्टेंट्स के पास जाती हैं कि अब बताइए कि हम अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएं, राइट. छोटे दुकानदार के पास क्या ऑप्शन है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास फिक्की CII ये सब फोरम है. छोटे दुकानदारों के पास छोटे व्यवसायियों के पास क्या ऑप्शन है? तो मेट्रो इज़ देयर यू नो अ प्लेस वेयर दे कैन कम एंड नेटवर्क. वी हेल्प देम. वी टीच देम न्यू थिंग्स टू रन देयर बिजनेसेस मोर एफिशिएंटली मोर इफेक्टिवली. और किराना सोल्यूशन सेंटर इज़ लाइक हमने एक एक्सपर्ट बिठाया हुआ है वहाँ पे जो उनको बताएगा अच्छा आपकी प्रॉब्लम ये है अब आप अपने बिजनेस को ऐसे रन कीजिए तो आपका सेल भी बढ़ेगा प्रॉफिट भी बढ़ेगा. या आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं वी इवन गाइड यू कि आप अपना मेन्यू में चेंजेस करिए बिकॉज आजकल लोगों का फूड हैबिट्स चेंज हो गया. ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स रखिए ऑर्गेनिक आइटम रखिए मेन्यू पे पास्ता रखिए इंडियन खाने से शायद काम नहीं चले. तो ये सब चीज़ें भी हम लोगों को गाइड करते हैं क्योंकि छोटे दुकानदारों के लिए छोटे रेस्टोरेंट वालों के लिए नॉलेज कहाँ से आता है. वो अपने में आपस अपनी कम्युनिटी में ही बात करते हैं उनको ये नहीं पता कि नासिक के बाहर क्या हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन शेयर विद देम कि बैंगलोर में हो रहा है जर्मनी में हो रहा है यूरोप में हो रहा है इंडिया में भी होगा आप इसलिए अपना थोड़ा बिजनेस इंप्रूव करिए बिकॉज चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट. इफ यू डोंट चेंज यू विल नॉट सर्वाइव. सो आई विल ऑल्सो यू नो वॉन्ट टू से वन थिंग यू नो प्रॉब्ली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट दैट देर इज स्टिल सम वर्क टू बी डन अराउंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. So we have a good industrial and you know Maharashtra is a big state in terms of business potential but there is a need to do somewhat better on ease of doing business jo Mr. Modi ji baat karte hain because yahan pe labor you know we need some labor reforms in this state. There's a big problem of unions in Maharashtra.